हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक मिसाल देखें। खंदक का मौका है, ग़ज़वा खंदक, सहाबा कराम खंदक खोद रहे हैं, खंदक की खुदाई कर रहे हैं, और हालत ये है कि भूख की शिद्दत है। सहाबा कराम ने पत्थर बांधे हुए पेट पर, पत्थर इसलिए बांधते थे ताकि जो अंतड़ियाँ वो दबी रहें, भूख का ज़्यादा एहसास ना हो, पत्थर बांधे हुए थे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस इतनी नौबत आ चुकी है कि हमने पत्थर अपने पेट पर बांध लिए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा उठाया, कमीज़ कुर्ता उठाया, तो सहाबा ने देखा कि दो पत्थर बंधे हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये मंज़र हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, रहा ना गया कि अल्लाह के नबी इतनी भूख और प्यास की शिद्दत में हैं और खंदक की खुदाई हो रही, बड़ा मुश्किल काम है पत्थरों को तोड़ना और खुदाई करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ ये काम कर रहे हैं। घर में पहुँचे, अपनी बीवी से पूछा, कुछ है घर में खाने के लिए? अल्लाह के नबी की ये हालत है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा, इतनी भूख है, पत्थर बांधे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बीवी ने कहा कि हाँ थोड़ा सा आटा बड़ा है और ये बकरी का बच्चा है, इसको ज़िबा कर लो, मैं खाना बनाती हूँ, आप जाकर अल्लाह के नबी को ले आओ, और साथ में कहना कोई दो चार आदमियों को साथ ले आए, बस इतना ही हमारे पास इंतज़ाम है। अब इधर बीवी ने वो आटा गूंदा रोटियों के लिए, और जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने गोश्त बनाया उस बकरी के बच्चे को ज़िबा करके, फरमाया कि ये गोश्त हड्डियाँ चढ़ा दो और गोश्त बना लो, और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। कान में बात की कि या रसूल अल्लाह, घर में खाने का इंतज़ाम है, थोड़ा सा तशरीफ़ लें, बस दो चार बंदों का इंतज़ाम है, कुछ दो चार साथी अपने साथ लें और तशरीफ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अपने सहाबी की ज़ुबान से ये बात सुनी तो सब मजमे में ऐलान कर दिया कि आ जाओ, बस काम छोड़ दो, जाबिर ने हमारी दावत की है, उसकी दावत पर चलते हैं। अब ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ज़मीन पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तकरीबन कुछ 1400 सहाबा थे उस वक़्त, और दो चार बंदों का खाना है, और जाहिर बात है मेज़बान पर जब ऐसा मामला आ जाए तो कितनी परेशानी होती है, थोड़ा सा खाना मेहमान ज़्यादा आ जाए तो कितना बेचैन बेकरार होता है। उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, कोई इतना वसत भी नहीं है कि सब मेहमानों का इंतज़ाम बंदा कर सके, उस वक़्त बड़ी बेचैनी बेकरारी होती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन भागे अपनी बीवी के पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जब दावत दी तो आपने तो सब सहाबा में ऐलान कर दिया, 1400 सहाबा कैसे इंतज़ाम करेंगे? तो बीवी ने कहा कि आपने कहा नहीं था कि दो चार बंदों के लिए इंतज़ाम हमने किया है? तो इन्होंने फरमाया कि मैंने कहा तो था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन आपने ऐलान कर दिया सहाबा में। तो फरमाने लगी, वो भी नेक खातून थी, अल्लाह वाली थी, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का नबी जाने और सहाबा जाने, हमें कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, जो हमारे पास है वो हम पेश कर देंगे, बाकी नबी जाने और उसका खुदा जाने। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर जब घर में तशरीफ़ लाए, हुक्म दिया कि एक तो हंडिया से जो बन रही है वो ढक्कन ना उठाना, और फरमाया कि अभी वो गूंदना शुरू ना, वो रोटियाँ बनानी शुरू ना करें, मैं आ रहा हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ, फिर अब जो मैं कहूँगा वो करना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायतों में आते हैं अपना लुआब मुबारक डाला और फरमाया कि हुक्म दिया कि अब ये खाना बनाना शुरू करो, और 10-10 सहाबा की टोलियाँ बना दी और फरमाया कि 10-10 सहाबा को खाना पेश किया जाए। अब ये देखें, दो चार बंदों का खाना है, 1400 सहाबा हैं, तकरीबन 1000 से ज़ायद सहाबा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, बरकत थी इस खाने के अंदर के सहाबा फरमाते कि हम सब ने पेट भर कर खाना खाया, कोई भूखा नहीं रहा, कि थोड़ा सा खाना दो चार बंदों का सब के लिए किफ़ायत कर गया, इसको कहते हैं बरकत। चीज़ तो थोड़ी है, बहुत सारे लोगों ने उससे नफ़ा उठा लिया, और जब ये बरकत नहीं होती ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में तो आदमी बहुत परेशान टेंशनों का शिकार हो जाता है। अब अल्लाह के नबी की बरकत थी, थोड़ा सा खाना सब के लिए किफ़ायत कर गया।